दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो वो शादीशुदा औरत जिसे आप लाइक करते हो वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी, फिर आप जो चीज़ चाहोगे उसके लिए भी वो तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करते हो तो किसी भी औरत को अपने काबू में कर सकते हो या उन्हें पटा सकते हो या उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये बात याद रखना, जिस तरह हम शादीशुदा औरतों को पसंद करते हैं, शादीशुदा औरतें हमें बहुत अच्छी भी लगती हैं, उसी तरह शादीशुदा औरतें या भाभियों को भी जवान और फुर्तीले लड़के अच्छे लगते हैं, उन पर वो बहुत ज़्यादा मरती है। तो आप इस बात को भूल जाओ कि वो आपको रिजेक्ट कर देगी या मना कर देगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है उस टाइम पर वो भाभी या वो शादीशुदा औरत मना भी कर सकती है। हाँ, अगर औरत मना कर रही है या उसे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए या उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप उन औरतों पर कोशिश करिए या उन पर लाइन मारिए जिस औरतों का पति उनसे प्यार नहीं करता या उन्हें परेशान करता है या उन्हें टाइम नहीं देता है। दोस्तों, औरतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार की होती है। अगर वह प्यार और हमदर्दी उन्हें अपने पति से नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरे के तलाश में रहती है जो उसे प्यार करे, उन्हें समय दे, उनका ख्याल रखे। तो दोस्तों, आपको उन्हीं औरतों पर ट्राई करना है। नंबर 2, दोस्तों आपको जिस औरतों को पटाना है उसे सिंपली 10 से 15 दिनों तक देखना है। देखना कहा है, उसके चेहरे को देखना है। अगर आपने कुछ और देखने के इरादे से उनको देखोगे तो वो गलत सोच लेगी और फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपके हाथ नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने आँखों पर काबू रख के सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे को ही देखना है, उनकी आँखों में आँखें डालकर देखना है और कुछ टाइम बाद आपको देखना बंद कर देना है। फिर वह औरत बेचैन हो जाएगी कि उसके तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। मतलब पहले आपको कुछ दिनों तक उनको देख देख कर अपनी आदत लगानी है, फिर आपको उन्हें बेचैन करना है यानी कि उनकी तरफ नहीं देखना है। और फिर अगर वो औरत आपकी तरफ बार बार देखे जा रही है तो आपको 4-5 दिन तक देखकर स्माइल करना है, लेकिन हल्की सी स्माइल करना है। और अगर आपके स्माइल करने पर वह भी आपको स्माइल दे रही है तो समझिए 50% काम हो गया। दोस्तों, शादीशुदा औरतें सब कुछ बहुत ही जल्दी समझती है। आपकी इन हरकतों से वो पूरा समझ जाएगी कि आप उनसे प्यार करते हो या आप उन्हें पसंद करते हो या फिर आप उनसे क्या चाह रहे हो या फिर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों, इस बात पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। अगर आपके स्माइल पर वह औरत भी आपको स्माइल दे रही है तो समझिए कि जो आप चाहते हो वो हो गया और वो भी वही चाहती है। नंबर 3, दोस्तों इसके बाद जो आपको करना है वह है कि आपको ऐसा टाइमिंग देखना है कि जिस टाइम पर वह औरत घर से कहीं बाहर इधर उधर या किसी काम से बाहर जाती हो तो ऐसे टाइम पर आपको उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। और जब भी आप उनसे मिलने जाओ या बात करने जाओ तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी है। अपने डर के कारण उनको कुछ भी गलत बोल दिया तो औरत आपको बहुत छोटा बच्चा समझेगी, इसलिए अपने डर पर काबू रखकर ही उनसे बात करने जाए और उनसे नॉर्मली बातें करें। उन्हें कहीं कहो कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी आँखें बहुत नशीली है। जब भी आपकी आँखों में देखता हूँ मुझे अजीब सा नशा हो जाता है, मैं इनमें खोने लगता हूँ। आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो या फिर आपको ये जगह कैसी लगी। आपको उनसे ऐसी बातें करनी है जिन्हें सुनकर उन्हें अच्छा लगे। इस सिलसिले को आपको कुछ दिनों तक चलने देना है। दोस्तों, ये सब होने के बाद आप खुद को उनसे मिलने से नहीं रोक पाओगे, लेकिन फिर भी आपको दूसरे दिन मिलने नहीं जाना है और 100% वह औरत आपका इंतज़ार करेगी 2-3 दिन तक, लेकिन आपको नहीं जाना है। फिर वह जब आपसे पूछेगी कि आप मिलने क्यों नहीं आ रहे हो या आप कहाँ रहने लगे हो आजकल, या फिर आप ये कहिए कि मैं उस समय थोड़ा बिजी रहने लगा हूँ इसीलिए नहीं मिल सकता हूँ, और आपको कहना है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दो ताकि हम रोज़ बात कर सके, फिर उसके बाद गारंटी से औरत आपको अपना नंबर ज़रूर देगी।
फिर आपको धीरे धीरे बात आगे बढ़ाना है। नंबर 4, अब दोस्तों अगर उनका नंबर आपको मिल गया है तो आपने बातें भी होने लगी होगी और बात करते वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने दो, जल्दी ना ही करें। फिर अच्छा मौका मिलने पर उनसे फिजिकली मिलने को कहे, तब देखना औरत आपको मना नहीं कर पाएगी। फिर आप अपने रिलेशन को अपने हिसाब से मेंटेन करें और थोड़ा ध्यान रखिए कि आप दोनों के रिलेशन का किसी तीसरे को पता ना चले और आप दोनों की बदनामी ना हो और ख़ास करके औरत की बदनामी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।